कक्षा 11वीं मीरा के पद के बारे में पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा। मीरा के जो पद हैं, मीरा के जीवन परिचय है, उसके बारे में आपको बतलाने जा रहा हूं। मीरा का जीवन परिचय के बारे में मैं आपको बतला रहा हूं। कृष्ण भक्ति कवियों में मीराबाई का प्रमुख स्थान है। उनका जन्म 1498 ईसा में मारवाड़ रियासत के कुंडकी नामक गांव में हुआ। इनका विवाह 12 वर्ष की आयु में चित्तौड़ के राणा सांगा के पुत्र कुंवर भोजराज के साथ हुआ। शादी के 7-8 वर्ष बाद ही इनके पति का देहांत हो गया। इनके मन में बचपन से ही कृष्ण भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी, इसलिए वे कृष्ण को अपना आराध्य और पति मानती रही। इन्होंने देश में दूर दूर तक यात्राएं की। चित्तौड़ राजघराने में अनेक कष्ट उठाने के बाद ये वापस मेड़ता आ गई। यहाँ से उन्होंने कृष्ण की लीला भूमि, वृंदावन की यात्रा, जीवन के अंतिम दिनों में द्वारका चली गई। माना जाता है कि वहीं रणछोड़ दास जी की मंदिर की मूर्ति में वे समाहित हो गई। इनकी मृत्यु 1546 ईस्वी में माना जाता है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं थी, मीरा ने मुख्यतः स्फुट पदों की रचना की। ये पद मीराबाई की पदमावली के नाम से संकलित है। दूसरी रचना नरसिंजी रो माहेरो है। मीरा सवगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कावित्री थी। कृष्ण की उपासिका होने के कारण इनकी कविताओं में सगुण भक्ति मुख्य रूप से मौजूद है, लेकिन निगुण भक्ति का प्रभाव भी मिलता है। संत कवि रैदास उनके गुरु माने जाते हैं। इन्होंने लोकलाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों का हमेशा विरोध किया। इन्होंने प्रथा का पालन नहीं किया तथा मंदिर में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में कभी हिचक महसूस नहीं की। मीरा सत्संग को ज्ञान प्राप्ति का माध्यम मानती थी और ज्ञान को मुक्ति का साधन। निंदा से वे कभी विचलित नहीं हुई। वे उस युग के रूढ़िग्रस्त समाज में स्त्री मुक्ति की आवाज बनकर उभरी। उनकी भाषा शैली कैसी थी? मीरा की कविताओं में प्रेम की गंभीर अभिवेदना थी, उसमें विरह की भी वेदना थी और मिलन का उल्लास भी था। इनकी कविताओं में सादगी, सरलता। इन्होंने मुक्तक गेय पदों की रचना की। उनके पद लोक व शास्त्रीय संगीत दोनों क्षेत्रों में आज भी लोकप्रिय हैं। इनकी भाषा मूलतः राजस्थानी है तथा कहीं कहीं ब्रज भाषा का भी प्रभाव है। कृष्ण के प्रेम की दीवानी मीरा सूफियों के प्रभाव को भी देखा जा सकता है। मीरा के पद की व्याख्या। प्रस्तुत पंक्तियों में कावित्री मीरा के द्वारा रचित है, जो पद नरोत्तम दास स्वामी द्वारा संकलित मीरा मुक्तावली के लिए गए हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कावित्री मीरा मोर मुकुट धारण किए हुए कृष्ण को अपना पति मानते हुए कहती है कि उनके सिवा इस जंगल में मेरा कोई दूसरा नहीं। आगे कावित्री कहती हैं कि मैंने कुल की मर्यादा का भी
ध्यान छोड़ दिया तथा संतों के साथ उठते बैठते लोक लाज सब कुछ त्याग कर स्वयं को कृष्ण भक्ति में लीन कर लिया। कावित्री मीरा कहती हैं कि कृष्ण के प्रेम रूपी बेल को सींचने के लिए मैंने अपने आंसुओं को निस्वार्थ भाव से निछावर किया, फलस्वरूप जिस बेल के बढ़ने से आनंद रूपी फल की प्राप्ति हुई है। आगे कावित्री एक दृष्टांत प्रस्तुत करते हुए कहती है कि जिस प्रकार दूध में मथानी डालकर दही से मक्खन निकाला जाता है और शेष छाछ को पृथक कर दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार मीरा ने भी संसारिकता के ढकोसलेपन से स्वयं को दूर रखा और अपनी सच्ची और आत्मिक भक्ति से कृष्ण के प्रेम को प्राप्त किया। आगे कावित्री मीरा कहती हैं, जब मैं भक्तों को देखती हूँ तो मुझे प्रसन्नता होती है और उन लोगों को देखकर मुझे दुख होता है जो संसारिकता के जाल में फंसे हुए हैं। मीरा खुद को श्री कृष्ण की दासी मानती है और श्री कृष्ण से स्वयं का उद्धार करने की कामना करती है।